नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। इनऑर्गेनिक में बच्चों मेनली दो प्रकार के एनालिसिस है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो कंसर्न करती है सब्सटेंस की आइडेंटिटी से, कि सब्सटेंस किस कैटायन का, किस एनायन का, किस एलिमेंट का बना हुआ है, वो आएगा बच्चों आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या आएगा कि सब्सटेंस में अमाउंट कितना है सब्सटेंस का। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस सब्सटेंस क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सब्सटेंस कितना है। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक में साल्ट होते हैं बच्चों, उनमें साल्ट के कैटायनिक पार्ट को बेसिक रेडिकल बोलते हैं, अनायनिक पार्ट को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं, देखो जो बेस है आपका मान लिया NaOH, और एसिड ले लिया हमने आपका एक HCl। जनरल वैसे एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन बता रहे हैं, साल्ट बन गया आपका NaCl। अब NaCl साल्ट में कैटायनिक पार्ट कहां से आया है, कैटायनिक पार्ट आया है आपका बेस से, और अनायनिक पार्ट जो क्लोराइड है, अनायनिक पार्ट ये आपका कहां से आया है बच्चों, एसिड से। तो साल्ट में जो कैटायनिक स्पीशीज आपकी होगी वो आपका बेसिक रेडिकल कहलाएगा, और जो अनायनिक स्पीशीज आपकी होगी वो आपका एसिडिक रेडिकल कहलाएगा। इसके बाद जो कॉमन मेटल्स हैं, कॉमन बेसिक रेडिकल्स हैं, उनको 6 ग्रुप्स में बांटा गया है बच्चों। यहां पे टेबल बना रखी, देखो ग्रुप वन में आपके, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप वन में आपके सिल्वर आयन, मर्क्यूरस आयन, लेड आयन है। इसी तरीके से ग्रुप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 ग्रुप्स में कॉमन जो मेटल आयन्स है, कॉमन जो बेसिक रेडिकल्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है। इन 6 ग्रुप्स के बच्चों अलग अलग ग्रुप रिएजेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट ग्रुप है उसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl 2 मोलर का, सेकंड जो ग्रुप है उसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। सिमिलरली हर ग्रुप का अलग अलग ग्रुप रिएजेंट है, लेकिन जो सिक्स्थ ग्रुप है बच्चों आप देख पा रहे हो मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम अमोनियम आयन जिसमें है, इनका कोई स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट नहीं होता सिक्स्थ ग्रुप का। इसके बाद है बच्चों ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब हमें अगर किसी साल्ट की एनालिसिस करनी है तो एनालिसिस के लिए उस साल्ट को या फिर मिक्सचर ऑफ साल्ट को हम डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट में। तो जो सॉल्वेंट हमने चूज करना है बच्चों वो कैसे चूज करना है, सबसे पहले हम डिस्टिल्ड वाटर को चूज करते हैं। ये एक सीक्वेंस है, देखो डिस्टिल्ड वाटर पहले ठंडे पानी में डिजोल्व करके देखेंगे, अगर नहीं होता है तो गर्म में, कोल्ड एंड हॉट, पहले कोल्ड में फिर हॉट में, उसके बाद डाइल्यूट HCl में। अगर ठंडे पानी में और गर्म पानी में डिजोल्व नहीं होता है आपका साल्ट, क्लियर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, तो फिर हम HCl पे जाएंगे, डाइल्यूट HCl में पहले ठंडे में फिर गर्म में करेंगे। सिमिलरली फिर कंसनट्रेटेड HCl पहले ठंडे में फिर गर्म में, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारा साल्ट डिजोल्व नहीं होता है तो ही हमें अगले सॉल्वेंट पे जाना है, नहीं तो सबसे पहले अगर डिस्टिल्ड वाटर में ही क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है तो फिर हमें उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस यही रखनी है, सबसे पहले फर्स्ट में डिजोल्व करके देखो, अगर नहीं डिजोल्व होता है तो सेकंड में डिजोल्व करो, अगर नहीं डिजोल्व होता है तो थर्ड में डिजोल्व करो, लेकिन अगर फर्स्ट में डिजोल्व हो जाता है तो सेकंड थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रुप वन, फर्स्ट ग्रुप के एनालिसिस। फर्स्ट ग्रुप में बच्चों आपके कौन कौन से आयन है, अभी पहले बताया था सिल्वर आयन, मर्क्यूरस आयन और लेड आयन, इनका जो ग्रुप रिएजेंट है बच्चों वो है डाइल्यूट HCl 2 मोलर। तो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, सिल्वर आयन में HCl हम ऐड करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सिमिलरली मर्क्यूरस क्लोराइड में जब हम HCl ऐड करेंगे तो मर्क्यूरस क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सिमिलरली जब लेड में, लेड आयन्स में HCl ऐड करेंगे तो लेड क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके बन जाएंगे। ये आपकी बच्चों ग्रुप रिएक्शन है फर्स्ट ग्रुप की। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन या फिर सेपरेशन ऑफ लेड आयन। लेड आयन को कैसे आइडेंटिफाई या सेपरेट करेंगे, जैसे हमने मिक्सचर लिया, मिक्सचर को हमने डिजोल्व कर लिया वाटर में, उसके बाद उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाल के देखा 2 मोलर का, अगर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो इसका मतलब इसमें ग्रुप वन प्रेजेंट है। ग्रुप वन में अब लेड आयन भी हो सकता है, सिल्वर आयन भी हो सकता है, मर्क्यूरस आयन भी हो सकता है, या फिर तीनों भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले लेड आयन की डिटेक्शन या सेपरेशन। जो लेड क्लोराइड है बच्चों वो आपका हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है, जबकि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है और मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो आपका हॉट वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ना ही ठंडे में ना ही गर्म में, किसी में भी सोल्यूबल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे HCl डालने के बाद जो प्रेसिपिटेट आए हैं उन प्रेसिपिटेट को हम गर्म पानी में डिजोल्व कर लेंगे। अगर कोई लेड आयन या फिर लेड क्लोराइड जो HCl डालने से लेड क्लोराइड बन गया, अगर उसमें लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट होंगे तो वो आपके हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। डिजोल्व द मिक्सचर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरस क्लोराइड इन हॉट बॉइलिंग वाटर। हॉट वाटर में
जो आपका लेड क्लोराइड है वो डिजोल्व हो जाएगा, जबकि जो सिल्वर क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड है वो आपके डिजोल्व नहीं होंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस गर्म सॉल्यूशन को गर्म गर्म को ही फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेट में नीचे आपके क्या आ जाएगा, लेड क्लोराइड आ जाएगा डिजोल्व होके। लेकिन लेड क्लोराइड भी गर्म पानी में ही सोल्यूबल होता है, ठंडे पानी में वो भी इनसोल्यूबल है। तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट के तीन पार्ट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट को ठंडा करेंगे सिंपली, जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट आते जाएंगे बाहर। देखो लेड क्लोराइड जो है वो सोल्यूबल है हॉट वाटर में, इसको धीरे धीरे जब हम कूल करेंगे तो लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा कोल्ड वाटर में, कोल्ड सोल्यूशन में। इसके बाद जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है उनमें हम रिस्पेक्टिवली एक में पोटाशियम आयोडाइड ऐड करेंगे और एक में हम ऐड करेंगे पोटाशियम क्रोमेट। और इससे क्या होएगा, पोटाशियम आयोडाइड जब ऐड करते हैं तो पोटाशियम आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे बच्चों, और जब पोटाशियम क्रोमेट ऐड करते हैं तो लेड क्रोमेट के येलो प्रेसिपिटेट आपके बन जाएंगे। इनसे हमें लेड की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ इसमें लेड था। अब देखो बच्चों, जो हमने हॉट सॉल्यूशन में लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट को डिजोल्व करके अलग कर लिया, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड जो हॉट वाटर में डिजोल्व नहीं हुए वो एज प्रेसिपिटेट बच गए, उनको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उसमें सिल्वर आयन और मर्क्यूरस आयन की प्रेजेंस चेक करेंगे उनमें। द रेजिड्यू, ये देखो द रेजिड्यू ऑब्लिक प्रेसिपिटेट फ्रॉम हॉट वाटर, अब उनको हम ट्रीट करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मर्क्यूरस क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल होता है, जबकि मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लैक कलर में बदल जाएगा, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। देखो सिल्वर क्लोराइड दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपको देगा डाई अमीन सिल्वर वन क्लोराइड, सोल्यूबल साल्ट बना देगा, जबकि जो मर्क्यूरस क्लोराइड है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको देगा मर्क्यूरिक अमीडो क्लोराइड, साथ में मर्क्यूरी, इनके ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो जो अब क्या करेंगे, अब हम इस सॉल्यूशन को फिर फिल्टर कर लेंगे। अब फिल्ट्रेट में नीचे क्या आ जाएगा, आपका जो सिल्वर का सोल्यूबल साल्ट बना था वो फिल्ट्रेट में आ जाएगा और ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट रेजिड्यू बच जाएंगे मर्क्यूरस आयन के, मर्क्यूरिक के। अब जो फिल्ट्रेट आया है बच्चों, इसको हम टेस्ट करेंगे सिल्वर आयन के लिए। कैसे टेस्ट करेंगे, इसको भी तीन पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पोर्शन में हम ऐड करेंगे नाइट्रिक एसिड, फर्स्ट पोर्शन में हम ऐड करेंगे नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, इससे क्या बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएंगे। सेकंड और थर्ड पोर्शन में हम एक में पोटाशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, उससे हमें सिल्वर आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, और जो थर्ड पोर्शन है उसमें हम पोटाशियम क्रोमेट ऐड करेंगे और हमें सिल्वर क्रोमेट के रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। अगर हमें ये येलो प्रेसिपिटेट पोटाशियम आयोडाइड ऐड करने पे, येलो प्रेसिपिटेट और पोटाशियम क्रोमेट ऐड करने पे आपके रेड प्रेसिपिटेट अगर मिलते हैं तो इसका मतलब उसमें सिल्वर आयन प्रेजेंट है। इसके बाद बच के अब जो आपका मर्क्यूरस के लिए आइडेंटिफिकेशन, मर्क्यूरस आयन की आइडेंटिफिकेशन, मर्क्यूरस आयन की आइडेंटिफिकेशन जो आपके ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गए थे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से, उस ब्लैक प्रेसिपिटेट को हम बच्चों डिजोल्व कर लेंगे एक्वारीजिया में। एक्वारीजिया क्या है बच्चों, HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है 3:1 में, यानी कि 3 पार्ट तो आपके HCl और 1 पार्ट आपका HNO3। एक्वारीजिया मिक्सचर में हम डिजोल्व कर लेंगे आपके ब्लैक प्रेसिपिटेट्स को। उन ब्लैक प्रेसिपिटेट्स को डिजोल्व करने के बाद फिर उसमें जब हम टिन क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे तो वो आपके व्हाइट या ग्रे प्रेसिपिटेट अगर आपको मिलते हैं तो इसका मतलब उसमें मर्क्यूरस आयन भी प्रेजेंट है आपका। ये आपका बच्चों फर्स्ट ग्रुप था। धन्यवाद।